नमस्ते, लाइव में आपका स्वागत है। आज एक इम्पोर्टेंट विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये गोधरा से संदीप, डॉक्टर संदीप पांडे गोधरा में है इस समय। वो बिल्किस बानो के जो 11 जिन लोगों ने हत्या और रेप में जिनकी भागीदारी थी, वो जो दोषी थे, जिनको सजा मिली थी, उन लोगों के की रिहाई हुई है। और उन लोगों की रिहाई एक रेमिशन पॉलिसी होती है। 15 अगस्त को एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से बताया कि इस देश में महिलाएं कितनी सम्मान और सुरक्षा की बात की, और उसके शायद 4 घंटे के अंदर बिल्किस बानो रेप के जो दोषी थे उन लोगों को आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, उन लोगों को छोड़ दिया गया। मैं अभी संदीप पांडे जी 2-4 मिनट में पहुंच रहा, मतलब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव कवर करना है। इन लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बहुत सी आशंकाएं थी, बहुत सी वो था, क्योंकि ये बीजेपी का जो इस समय का नेतृत्व है गुजरात का, उसको ये रास नहीं आ रहा है, उसको ये रास नहीं आ रहा है कि कोई न्याय की बात करे, उसको ये रास नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जब 11 लोग छूटे थे तो उस छूटने की जो पैरवी जो जिस मीटिंग में ये तय हुआ कि 11 दोषियों को छोड़ा जाए, उसमें बीजेपी के 2 सिटिंग विधायक हैं और ये उन लोगों की रिकमेंडेशन से छूटा है। ये कोई ऐसा नहीं हुआ है कि बीजेपी अपना मुंह मोड़ ले और बीजेपी ये कहे कि मुझे क्या पता। बीजेपी के 2 निर्वाचित विधायक उस कमेटी में थे जिस कमेटी ने ये तय किया कि ये 11 बलात्कार और हत्या के दोषी लोगों को कि अब सजा माफ कर दी जाए, इसलिए बीजेपी ये नहीं कह सकती है। दूसरा, जब ये लोग छूट के आए तो इन लोगों के बारे में वहां के कुछ लोकल नेताओं ने कहा कि बहुत संस्कारी लोग। तो ये जो पार्टी जिससे मतलब जिस पार्टी के लोग हैं और जो इनको संस्कारी मान रहे हैं, ये तो अब आप ही तय करना होगा और समाज को तय करना होगा कि ये क्या संस्कारी और क्या नहीं संस्कारी। क्योंकि अब 1-2 चीजें और हैं। एक, कहीं अगर कुछ गलत हो रहा है उस गलत को यहाँ से आप नहीं कर सकते हैं। बिल्किस बानो का अगर केस जो है, संदीप जी आ गए हैं, संदीप जी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं अलग हट रहा हूँ और अब आप संदीप जी को सीधे सुनिए। संदीप जी आ गए जी। जी नमस्कार। हमारे साथ जो लोग आए हैं आज, इसमें हमारे बगल में आप देख रहे हैं नूरजहां बहन बैठी हुई हैं, नूरजहां दीवान जी, और मैं चाहूँगा तनुश्री गंगोपाध्याय जी को कि वो भी आ जाएं साथ में। तनुश्री जी आप भी आ जाइए, और कौसर अली सैयद हैं। हम लोग अभी अभी गोधरा पहुंचे हैं, थोड़ी सी देर हुई, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, कल सुबह से एक पदयात्रा की तैयारी है। रंधीकपुर गांव, जो बिल्किस बानो का गांव है, वहां से सुबह पदयात्रा शुरू होगी 9 बजे, और ये पदयात्रा वहां से आगे बढ़ेगी। फिर 2 दिन लगेंगे उसको गोधरा पहुंचने में, क्योंकि गोधरा की दूरी करीब 48 किलोमीटर है वहाँ से। 1 दिन में हम जो चलेंगे वो औसतन 20 से 25 किलोमीटर के बीच में चलेंगे। तो 25 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हम यहाँ पहुँचेंगे, और उसके बाद 27 तारीख को शाम को यहाँ पहुँच जाएंगे। 27 को हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और 28 को यहाँ पे रुक के 29 तारीख को आगे बढ़ेंगे, और फिर टिम्बा रोड, हासरा, अलीना, केसरा और हाथीजन होते हुए हम अहमदाबाद पहुँचेंगे 4 अक्टूबर को। तो ये पदयात्रा की पूरी तैयारी है, और इस समय बस हम प्रेस वार्ता शुरू करने जा ही रहे हैं। थोड़ी देर में लगभग सारे साथी आ गए हैं। एडवोकेट नरेंद्र परमार जी भी आ गए। नरेंद्र भाई आप इधर आइए। स्थानीय
एडवोकेट नरेंद्र परमार जी भी हमारे बीच में आ गए हैं। मैं आपको आग्रह करता हूं कि इधर आ जाएं और इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो बिल्किस बानो का मामला है उससे सीधे जुड़े हुए हैं और ये अभी अपनी बात रखेंगे, जो अभी निर्णय हुआ है उस पर अपनी टिप्पणी रखेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि पूरा जो मामला है उसकी बात जो है हम पहले आपके सामने रख दें और फिर ये जो पदयात्रा है क्यों निकाली जा रही है इसको हम आपके बीच में रखेंगे। अगर नितेश भाई अनुमति दें तो हम शुरू करें या अभी थोड़ा और इंतजार। अच्छा ठीक है, तो अभी जब तक स्थानीय पत्रकार आ रहे हैं 5-10 मिनट तब तक मैं चाहूंगा कि मेरे ख्याल से एडवोकेट नरेंद्र परमार जी को पूरी जानकारी है मामले की, तो भी बताइए कोई बात नहीं, जो न्यायालय में जो हुआ शुरू से लेके अभी तक वो अगर आप सारी बात रख दें तो उसके बाद फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो इसकी भूमिका जो है पूरे मामले की मैं चाहूंगा कि नरेंद्र परमार जी हम लोगों के बीच में रख दें और फिर हम लोग पदयात्रा की बात करेंगे। तो मैं ये इनके सामने कर रहा हूँ, वो कैमरा यहाँ से, अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ तो ये तो दिख ही रहे हैं, हाँ ठीक है। तो आप जो घटना हुई और घटना के बाद क्या कैसे हुआ और आज तक जब हम पहुंचे हैं, जो ये जिले स्तर की समिति ने माफी दी है, ये मुझे लगता है सारे फैक्ट्स आप थोड़ा सा रख दीजिए। अपने बधा लोग को हकीकतों थी वाकेफ छे अने 2002 ना कोमी रमखाणो जे थया એના પછી બિલકિસ બાનુનો જે આખો જે ગેંગરેપ થાય છે અને ત્યાં હત્યા થાય છે ત્યાંના ઘરના પરિવારના સભ્યોની, આ આખી ઘટના જે છે એ ઘટના ખૂબ જ ચકચારી ભર્યો કેસ જેને કહી શકાય, અને આ ચકચારી ભર્યા કેસની અંદર જેટલા પણ આરોપીઓ હતા, 11 આરોપીઓ જે ઇન્વોલ્વ હતા, એ 11 આરોપીઓ જે છે दोनों में हो जाए, पहले एक बार गुजराती बोल लो फिर हिंदी में। नहीं पहले से ही बोल देता है। अच्छा ठीक ठीक, तो गुजरात में 2002 के जो राइट्स दे हुए और वो राइट्स के बाद में हमारे दाहोद जिला के रणधिकपुर में गैंगरेप हुआ था और उसमें हत्या भी हुई थी, तो बिल्किस बानो का वो जो केस है वो पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड में एक मशहूर केस, और उस केस के अंदर जो जो भी प्रत्याशी थे वो प्रत्याशियों को उस वक्त ऑनरेबल कोर्ट ने पनिशमेंट दिया था, उनको सजा की थी और वो सारे लोग कारावास में थे, जेल में थे। ये लोग जब जेल में थे तो इनको छुड़ाने के लिए हमारी गुजरात की गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक कमिटी बनाई और वो कमिटी जो बनाई, उस कमिटी में कुछ एमएलएस थे, हमारे गोधरा के एमएलएस भी है, एक और एमएलए, दो एमएलएस हैं यहाँ के और जिला कलेक्टर भी उसके अंदर थे, ये एक कुछ करीबन 5 लोगों की कोई कमेटी थी। वो कमेटी ने एक रिपोर्ट फाइल किया, उस रिपोर्ट में ये लोग जो हैं 11 जो दोषी थे ये सारे दोषी जो है उनका जेल के अंदर लोगों के साथ का व्यवहार, उनका बिहेवियर ये सब सही है, ऐसा कह करके उन सारे लोगों को छोड़ने के लिए वो कमिटी जो है उसने बात की और उस कमिटी की जो पूरा जो रिपोर्ट था उस रिपोर्ट के आधार पर इन लोगों को छोड़ दिया गया। अब ये छोड़ने के जो नियम, जो रूल्स जो गवर्नमेंट बनाती है, उन रूल्स के अंदर ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि हत्या और बलात्कार के मामले में जिन लोगों को पनिशमेंट हुआ हो उन लोगों को छोड़ने की बात कहीं पर भी नहीं। आगे 1992 के जो रूल्स थे उसमें भी नहीं, उसके बाद के जो भी रूल्स है उसमें भी नहीं, और ये सारे जो सारी चीज़ें जो है रूल्स में नहीं होने के बावजूद भी इन लोगों ने जो फिलहाल जो अभी जो रूल्स बने उसके अलावा जो पुराने रूल्स है उसको आधार बना करके, मतलब कि उनको छोड़ना ही था तो कैसे भी करके सारे नीति नियम जो है जितने भी रूल्स हैं रेगुलेशन है उसको सही ढंग से फॉलो ना करके
इतने गंभीर केस के अंदर सारे प्रत्याशियों को छोड़ दिया, और छोड़ने से ये बात खत्म नहीं हुई। छोड़ने के बाद कुछ संघियों ने, कुछ उनके संगठन के लोगों ने इसको एक जैसे कि उनका एक त्योहार हो ऐसे मनाया, और वो जो दोषी थे उन दोषियों को मालाएं पहनाई गई, जैसे कि वो कोई जंग में गए हो, भारत देश की रक्षा करने के लिए गए हो और वहां से वापस आ रहे हो, ऐसे उनको फूल मालाएं पहना करके उनका स्वागत किया गया। किसी भी भारत की नारी के साथ ऐसा हादसा होने के बाद, ऐसे लोगों को छोड़ देने के बाद उनको मालाएं पहना करके अगर उनका स्वागत किया जाता है तो ये पूरे भारत देश के लिए एक शर्मसार करने वाली घटना है। और उसके बाद ये यहाँ से न रुक करके यहाँ के जो एमएलए श्री है गोधरा के, सी के राहुल जी, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये जितने भी दोषी लोग थे वे सारे संस्कारी लोग थे। हम ये कह रहे हैं कि जो लोग बलात्कार करते हैं, जो लोग खून करते हैं, और बलात्कारी और खूनी लोग जो है वो संस्कारी होते हैं, ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट बात है, ये सेट नहीं होने वाली बात है। आपने, आपके लोग थे, आपने छोड़ दिया, आपको खामोश रहना चाहिए, आप उसको त्योहार की तरह मना रहे हो, ऊपर से ये भी कह रहे हो कि ये सारे लोग जो है वो संस्कारी लोग थे, तो ये बात ठीक नहीं है। और हम सब लोगों को ये महसूस हो रहा है कि भारत में एक स्त्री के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार होने के बाद, वहाँ पे खून होने के बाद, ये सारी घटनाएं घटने के बाद यदि उन लोगों को इस तरह से छोड़ दिया जाता है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा हमारी नज़र में है। और ये लोकतंत्र जो है उसके ऊपर ये खतरा है, और इस तरह से गवर्नमेंट जो है आगे फ्यूचर में ऐसे लोगों को न छोड़ दे, और ऐसे लोगों को जो छोड़ा है वो गलत तरीके से, और ये बात ये भी सुप्रीम कोर्ट में उसका जो मैटर है पेंडिंग है, सुप्रीम ये मैटर सब जुडिस भी है, लेकिन फिर भी हमारा जो, हमारी जो भावनाएं हैं वो भावनाएं हमें दिखाने का इस देश में पूरा अधिकार है। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, और इसलिए हम लोग जो है, हम लोगों ने ये तय किया है कि हम बिल्किस बानो जो है उसके खिलाफ में ये जो फैसला किया गया, उस फैसले में हम लोग ये फैसले को रोकने में असमर्थ रहे, हम लोग इस फैसले को नहीं रोक पाए, इसलिए हम सारे लोग कमजोर लोग हैं, और हम बिल्किस बानो को जो है वो जस्टिस नहीं दिला पाए, इसलिए बिल्किस बानो की माफी मांगते हुए, बिल्किस बानो हमें माफ कर दे ये कहते हुए, हम बिल्किस बानो के गांव रणदीपुर से एक पदयात्रा निकाल रहे हैं, और वो पदयात्रा में हम, हमारी जो भावनाएं बिल्किस बानो के प्रति है और ये जो इनजस्टिस उसके साथ हुआ है उसके लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, और ये यात्रा जो है उसको रोकने के लिए और भी कई संगठनों ने, कट्टरपंथी संगठनों ने इसका विरोध करने का भी प्रयास किया है, और प्रशासन जो है वो हमें साथ देगा नहीं देगा ये आने वाले वक्त में, कल से वो पता चलने वाला है। तो ये हमारी भावनाएं बिल्किस के साथ जुड़ी हुई है, भारत की एक नारी के साथ जुड़ी हुई है, और भारत की नारियों के साथ ऐसा अन्याय ना हो, और भारत में स्त्रियों के साथ जो अन्याय होते हैं, स्त्रियों के साथ जो बलात्कार होते हैं, उन बलात्कार में यदि स्त्री किसी अलग कैटेगरी, कास्ट एंड कैटेगरी की होती है तो उसके प्रति पूरे देश का रुख जो होता है वो एक अलग होता है, और किसी कास्ट और कैटेगरी अलग की हो तो उसका रुख अलग होता है। ये सारी चीज हम लोग इस देश में महसूस कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई भी नारी हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, तो वो उसके साथ अगर कोई इनजस्टिस होता है, अगर उसके साथ बलात्कार होता है, तो वो भारत देश की तमाम नारियों के साथ बलात्कार हुआ है, ऐसा हम लोग मानने लगे तो ही लोकतंत्र सही ढंग से इस देश में लागू है, ऐसा हम सोच सकेंगे। इसलिए हमारी भावनाएं जो है उसके लिए हम बिल्किस के लिए एक पदयात्रा निकाल रहे हैं, और वो पदयात्रा हमारी संपन्न हो, और सरकार जो है, प्रशासन और सरकार ये पदयात्रा में हमारा सहयोग करे, और हमें कहीं पर भी ना रोके, क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं कि इस पदयात्रा में जुड़े हुए सारे लोग जो हैं वो शांति के लिए लोग हैं, शांति में मानने वाले लोग हैं, और इस पदयात्रा में जुड़े हुए जो लोग हैं उनमें से कोई भी किसी भी तरह से माहौल जो है खराब हो, किसी भी तरह से कहीं पर कोई उसका जो है वो ये हो जाए, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, इसलिए माहौल को सही बनाते हुए शांति को बनाए रखें, और शांति को बनाए रख करके हमें हमारी पदयात्रा निकालने दे, ऐसी एक विनती हम प्रशासन से भी और लोगों से भी करते हैं। अब ये बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र भाई, आपने बहुत अच्छी तरह से सारी बात को रख दिया, और पदयात्रा के उद्देश्य को कि बिल्किस बानो से माफी मांगने के लिए पदयात्रा निकाली जा रही है,
इसको बहुत अच्छी तरह से रखा है, कानूनी पक्ष तो उन्होंने रखा ही है। मैं चाहूंगा कि नितेश भाई ये पर्चा आ गया है, इसको थोड़ा सा इसमें कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे की लोकेशन अगर बदल सके तो क्यों नितेश भाई, ये कैमरे की लोकेशन बदल सकते हैं क्या, क्योंकि ये सामने से ये लाइव चल रहा है ना, हाँ, तो चल, वो चलना ही चाहिए। हाँ, नहीं जैसे अगर साइड से लगा दें सब लोग कवर हो जाए, ऐसे लाइट चल कर ही पड़ रहा है, ये खोल दो रजाक मंसूरी साहब, आपने भी आरटीआई लगाई है, आप भी थोड़ा बताइए कि आरटीआई का। हनी भाई आप, आपको बोलना है इसमें। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में औपचारिक रूप से अब शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि प्रेस के सारे साथी आ गए हैं, और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ कौन कौन है। आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन हमारे साथी नितेश ने किया है, जो अखिल भारतीय परिवार पार्टी से, धार्मिक एकता ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, और आज हमारे साथ बैठे हुए हैं एडवोकेट नरेंद्र परमार, जिन्होंने अभी अभी अपना वक्तव्य रखा, नूर जहां दीवान बहन बैठी हुई हैं, जिन्होंने पूरे गुजरात में, गोधरा में भी खास करके बहुत सघन काम किया है, एक बार इनकी यहां से गिरफ्तारी भी हो चुकी है एक अभियान में, और तनुश्री गंगोपाध्याय जी बैठी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और पूरी यात्रा में चलने के लिए आई हुई हैं, इसके बावजूद कि उनको उनके पीठ में पीछे जो है वो दर्द होता है, और कौसर अली सैयद बैठे हैं जो सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के गुजरात के अध्यक्ष हैं, और जो पिछली पदयात्रा निकली थी 2018 में अहमदाबाद से नड्डा बेट सीमा की भारतवस्ती और शांति के मुद्दे पे, उसका पूरा आयोजन उन्होंने किया था, और ये दूसरी पदयात्रा की भी वो पूरी तैयारी वगैरह देख रहे हैं। मैं संदीप हूँ, और इस यात्रा में पूरा चलने का इरादा है, और इस तरह की जब भी कोई ऐसी घटना देश में होती है जिसमें ऐसा लगता है कि देश स्तर पे कुछ बात होनी चाहिए, तो पदयात्रा हम लोग निकालते हैं। जब देश में परमाणु परीक्षण हुआ 1998 में, तो 99 में 1,500 किलोमीटर की पदयात्रा पोखरण से सारनाथ की निकाली गई। 2002 में जब गुजरात के अंदर सांप्रदायिक हिंसा हुई, तो उत्तर प्रदेश में चित्रकूट से अयोध्या की सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के लिए यात्रा निकाली गई। 2005 में दिल्ली से मुल्तान, भारत पाकिस्तान के बीच में शांति और दोस्ती के लिए पदयात्रा निकाली गई, और फिर 2018 में मैंने बताया अहमदाबाद से नड्डा बेट, और अब जो है हम बिल्किस बानो के मुद्दे पे जो हुआ है उनके साथ, ये बहुत शर्म की बात है ये कहने के लिए, उनसे माफ़ी मांगने के लिए एक पदयात्रा कल शुरू करने जा रहे हैं रणधीकपुर गांव से, जो उनका गांव है बिल्किस बानो का, गोत्रा से करीब 48 किलोमीटर दूर है, और आज सब लोग यहां गोत्रा में इकट्ठे हो रहे हैं जो पदयात्रा में चलेंगे, और कल से पदयात्रा की शुरुआत होगी। तो हम लोग औपचारिक रूप से शुरू कर सकते हैं जी? ठीक, तो अब हम औपचारिक रूप से शुरू करेंगे, और मैं चाहूँगा कि चूंकि एक महिला का मामला है और ऐसा हुआ है जो किसी भी समाज को, सभ्य समाज को, तो कम से कम मैं उन संस्कारी ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत संस्कारी हैं, मैं कहूँगा कि सभ्य समाज के लिए तो ये शर्मसार कर देने वाली घटना है कि किसी महिला के साथ ऐसा हो, और उसके बाद उसके जो अच्छा इसको थोड़ा सा इसकी लोकेशन ऐसा करें कि माइक आगे करते हैं, उसको पीछे करें, हमारी बाइक पर जब बच्ची आप
ये खाली चलेगा ना, ये इसको अंदर दबा दीजिए, अंदर ही दो पांच मिनट के अगर जो तुम्हारा लैपटॉप बल्कि नितेश भाई आप कैमरा ऐसी जगह पे सेट कर दीजिए कि ये पूरे लोग दिखाई पड़े। हाँ, बस बस तीन चार लोग नहीं, तनुश्री अभी नहीं आ रही, बस बस और हो गया। हाँ, और हनी भाई को भी आना चाहिए। ठीक है, वो बराबर है, ठीक है, देन सर नमस्कार। मेरा नाम संदीप पांडे है, मैं पार्टी इंडिया का महासचिव हूँ, मेरे साथ एडवोकेट नरेश वर्मा है, दूर यहाँ दीवान है जो बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ती है, सामाजिक कार्यकर्ती, कांग्रेस की मायावती की महिला प्रमुख रह चुकी है, अभी उनका और तनुश्री गंगोपाध्याय हैं वरिष्ठ पत्रकार, और हनीफ कलिंदर साहब हैं जो उनको आप सब लोग जानते हैं, स्थानीय कॉर्पोरेटर हैं, और नितेश जिन्होंने जो हमारे स्थानीय स्तर पे हमारी इस पत्रकार वार्ता को आयोजित कर रहे हैं धार्मिक एक परिसर। तो हमारा ये कहना है कि ये जो घटना हुई है यानी कि 34 बालों के साथ जो कुछ हुआ जिसके तथ्यों में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उसे सपोर्ट कर रहे हैं, और फिर 11 लोग जिन्हें सामूहिक बलात्कार के लिए सजा हुई, उन्होंने उसके बच्चे की भी हत्या की और उसके बलात्कार भी हुए उनकी माँ के साथ बहन के साथ, वो सारी घटना सबको मालूम है। ऐसे 11 लोगों को गोधरा में छोड़ दिया जाता है, उनकी सजा माफ कर दी जाती है, और वो भी स्वतंत्रता दिवस वाले दिन जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं लाल किले की प्राचीर से कि हमें महिलाओं के प्रति अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। तो कौन सा नजरिया, वो कौन क्या बदलने की बात कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या हमें महिलाओं के प्रति ये नजरिया बदलना पड़ेगा कि जिसके साथ बलात्कार हो उसको गंभीरता से न लिया जाए और इनको सजा हुई है उनको छोड़ दिया जाए? और ये भी एक बड़ी विचित्र बात है कि, और शायद ये गुजरात मॉडल का ही एक पहलू है, कि जो जिन्होंने अपराध किए हैं वो जेल के बाहर हैं। देखिए कितनी बड़ी ये अनोखी बात है गुजरात के अंदर कि जो अपराध किए हैं वो जेल के बाहर हैं और जो लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे वो जेल के अंदर। तीस्ता को तो अभी जमानत मिल गई है लेकिन अभी भी आरबी श्री कुमार, और मैं उनको जानता हूँ, हाँ मतलब ऐसे सज्जन आदमी और विद्वान, मतलब जो संस्कृत में भाषण दे सके, ऐसे विद्वान पुलिस अफसर को आपने जेल में रखा है, संजीव भट्ट को आपने जेल में रखा है जिन्होंने वो एफिडेविट दिया है कि गोधरा कांड वाले दिन शाम को मुख्यमंत्री की बैठक में अधिकारियों को ये कहा गया कि हिंदुओं को अपना गुस्सा निकाल लेने दिया जाए, और 3 दिन तक यहाँ हिंसा हुई वो सारी दुनिया जानती है। जबकि किसी भी आप IAS और IPS अधिकारी से पूछ लीजिए, और इस पे विभूति नारायण राय उत्तर प्रदेश के IPS अधिकारी, उनका बयान है, हर्षमंदर जी का बयान है जो एकमात्र IAS अधिकारी थे जिन्होंने गुजरात की हिंसा के बाद इस्तीफा दिया, कि 2 से 4 घंटे किसी भी जगह कोई भी दंगा नहीं चल सकता जब तक उसमें प्रशासन और शासन की सहमति न हो। तो अब ऐसा देश में माहौल बनाया जा रहा है कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी और जो यहाँ का शासन प्रशासन था जिसके सामने ये कुछ हुआ उनको निर्दोष बताया जा रहा है, जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे
उनको दोषी बताया जा रहा है कि वो साजिश कर रहे हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है, और जो अपराधी हैं वो माया कोडनानी से शुरू करके और बाबू बजरंगी और अब ये 11 लोग सब जेल के बाहर आ रहे हैं। मतलब किस तरह का समाज हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह जी का नाम लिया बहन ने, वो भी एक मामले में आरोपी रहे, हाँ हालांकि वो कोर्ट से बरी हो गई, लेकिन ये हम कैसे भूल जाएं कि उस मामले में एक न्यायाधीश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, और वो न्यायाधीश लोया साहब का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अमित शाह को कोर्ट में पेशी के लिए बुला रहे थे। तो खैर, पदयात्रा पे हम वापस आ जाएं। पदयात्रा रणधीकपुर से 26 सितंबर को यानी कि कल शुरू होगी 9 बजे सुबह, और फिर गोधरा होते हुए, गोधरा में हम 28 तारीख को रहेंगे, और उसके बाद टिम्बा रोड, ठासरा, अलीना, हाथीजन होते हुए अहमदाबाद में समाप्त होगी। पदयात्रा का उद्देश्य यह है कि जो हुआ है इससे हम सब बहुत आहत हैं, और ख़ास करके छोड़ने के बाद जिस तरह से उनका स्वागत हुआ है जो अपराधी हैं, और ये जो बात कही जा रही है कि उसमें कुछ संस्कारी ब्राह्मण हैं, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। मतलब ऐसे गुजरात में जो गांधी जी की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता हो, और दुनिया में हिंदुस्तान की अगर पहचान किसी एक आदमी के साथ से, तो वो महात्मा गांधी ही हैं। वो न तो राम है, न विवेकानंद है, न कोई और है। गौतम बुद्ध है जरूर, लेकिन गौतम बुद्ध को तो अब पूरी दुनिया का माना जाता है, बौद्ध धर्म का संस्थापक, और बौद्ध जो है ये भी एक हकीकत है कि हिंदुस्तान से ज्यादा बाहर रहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के साथ अगर किसी एक व्यक्ति की पहचान सबसे ज्यादा है तो वो महात्मा गांधी, जो अपने नैतिक मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए जाने जाते हैं पूरी दुनिया में, सत्य और अहिंसा के लिए जाने जाते हैं। मतलब उनसे प्रेरित होकर मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला जैसे लोगों ने अपने अपने देश में सामाजिक परिवर्तन का काम किया, उस गांधी के गुजरात में सत्य और अहिंसा दोनों की धज्जियां उड़ाई जा रही, ये बड़ी अजीब बात है। और इससे पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इस घटना से शर्मसार हैं, और हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि न्यायालय अगर उनको वापस जेल भेजता है, जो उनको जाना ही चाहिए, वही न्याय संगत है तो ठीक ही है, लेकिन हम ये कहने के लिए आए हैं कि बिल्किस बानो के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, और उसकी हम बिल्किस बानो से माफी मांगने के लिए इस पदयात्रा को निकाल रहे हैं। थोड़ा किसी बहन का भी बयान लेना, मुझे आप बयान अगर बोले लो ग्लास ले ले। गुजराती में देखिए, ये 11 जो रिहा कर दिया गया है, तो इससे हमें कि क्या आप क्या साबित करना चाहते पूरे हिंदुस्तान में, बाकी के जो लोग हैं जिस तरह से आए दिन बलात्कार होते हैं दंगे जैसे माहौल में, या ऐसे माइनॉरिटी को वैसे भी बदनाम करने में आता है, माइनॉरिटी महिलाओं के साथ भी ज्यादा बलात्कार होते हैं जब भी दंगा होता है, तो और बलात्कार बढ़ेंगे, और बाकी लोगों को भी वो होगा कि भाई बलात्कार करो, सरकार तो हमारी जो सत्ता में बैठी हुई हमको छोड़ देगी, तो ये बलात्कार को सरकार ने बढ़ावा दिया है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर बलात्कार रोकने हैं तो आरोपियों को सजा करनी पड़ेगी। सवाल जवाब और अगर कोई कुछ बात, कोई सवाल नहीं भाई, आप कुछ बात रखेंगे? ये तनुश्री गंगोपाध्याय जी हैं।
आप इधर आ जाइए, બળાત્કાર થયા છે એ સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પહોંચ્યા છે અને તે ફક્ત પહોંચ્યા નહીં અને એનએચઆરસી જે નેશનલ હ્યુમન રાઇટ્સ કમિશને આ કેસ લીધો અને એમણે એવું કીધું કે આ આ બધાને એટલે એ કર્યો કન્વિક્શન કર્યા 11 જણા જેટલા જણાને એણે કીધું એ બધાનો એ કર્યો અને ફક્ત આ જે 11 જણા છે એણે ફક્ત ગેંગ રેપ નથી કર્યો એ લોકોએ 14 જણાને મર્ડર પણ કર્યો છે અને એમના બિલકિશના માને એમની સામે જ ગેંગ રેપ કર્યો છે એની દીકરીને તો આ બધાએ વાતો કરી છે કે એને બધાને ખબર જ છે દીકરીને પણ મારી નાખ્યા અને બહુ ભયંકર રીતે એને પછાડીને મારી નાખ્યા 3 વર્ષની છોકરીને એ તો બહુ ભયંકર કહેવાય અને પછી આ એનએચઆરસી એટલે આ 2002માં થયેલું કેસ છે એટલે બધાને ખબર જ છે કે 2002માં જે ગોધરામાં જે કાંડ થયું હતું એના પછી આ કર્યો છે કેસ અને આ પછી સુપ્રીમ કોર્ટમાં આ 2003માં ઓર્ડર એ કર્યો સીબીઆઈનો ઇન્ક્વાયરી ઓર્ડર કર્યો સુપ્રીમ કોર્ટે અને એ બધું થયું અને ઓલ ધ એક્યુઝ્ડ વર કન્વિક્ટેડ અને સીબીઆઈએ એક્ઝ્યુમ કર્યું છે બોડીને અને તેમ છતાં આ બધા આ ડેફિનેટલી આ જે કેસ છે આ ટોટલી પોલિટિકલ છે બધા જાણે છે ને તમે લોકો તો બધાને જાણો છો કારણ કે હું પત્રકાર છું ને આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે આ ટોટલી પોલિટિકલ છે હાઉ કેન અ પર્સન હુ હેઝ બીન રેપ્ડ બાય સો મેની પીપલ ઇટ ધીસ હેઝ નોટ હેપન્ડ એનીવેર ઇન ઇન્ડિયા અને અબ્રોડમાં નથી થયું એટલે આપણે તો એકદમ શરમની વાત છે કે એન્ડ વી શુડ ઓલ ડાય ઓફ શેમ આઈ મીન ધીસ ગવર્મેન્ટ શુડ ડાય ઓફ શેમ એન્ડ ધેન કે આવી રીતે કરી શકાય છોડી શકાય અને બીજું ખાસ તમે લોકો બધા જ જાણો છો કે આમાંથી જે બ્રાહ્મણ કહે છે ને કે બ્રાહ્મણ આપણે બધા જાણીએ છીએ કે સીકે રાહુલજી ને બધા જે ચાર જે હતા આમાં જે કમિટીમાં મૂક્યા એમએલએસને મૂક્યા છે એને તે બી ભાજપના એમએલએ મૂક્યા છે એ તો ટોટલી ખોટી વાત છે એટલે ભાજપના એમએલએને મૂક્યા છે ને એમણે એવું કીધું છે કે મને તો ખબર જ નથી કે આ લોકોએ કોઈ ક્રાઇમ કર્યો છે કે નહીં અને એમનો કહે છે કે બહુ સ્વભાવમાં બહુ સારા છે આ લોકો અને બ્રાહ્મણો છે અને અમે બ્રાહ્મણોમાં આપણામાંથી ઘણા બધા બ્રાહ્મણો છે પણ કોઈ એને મર્ડર કરવા જાય છે કોઈ દિવસ આવી રીતે કોઈ દિવસ કોઈએ એ કર્યો છે બળાત્કાર કર્યો છે અને મર્ડર કર્યા છે કોઈ દિવસ નથી આપણે આવું સાંભળ્યું અને તેમાં આવી રીતે છોડી મૂકવામાં આવે છે અને બીજું કે આમાંથી ઘણા લોકો આ જે 11 જણા છે એમાંથી ઘણા લોકોએ બહુ ઘણા બધા 14 વર્ષમાં ઘણા લોકોએ પેરોલ લીધો છે અને પેરોલ લઈને તે લોકો ડાયસમાં બેસીને એ કર્યો છે કોંગ્રેસ કહું છું સોરી ભાજપના જે મીટિંગ થતું હોય ને એમાં ડાયસ ઉપર બેઠા છે અને હાઉ કેન ધે ડૂ ઇટ વેન યુ આર લાઈફ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ છે તેમ કેવી રીતે કરી શકાય એ એટલે આ ટોટલી ગુનો છે ગુનો એકદમ ગુનો આપણે બધા જાણીએ છીએ અને ઇટ શુડ બી એ દસ્તી અને એટલે એક રીતે સારું કે અને આવા બહેનોને આપણે કોઈ દિવસ સાંભળ્યું નથી અને આ બહેને એવું એ કર્યું ફાઇલ અપી કે આ કેસને બહાર મૂકો ગુજરાતથી બહાર કારણ કે મને તો અહીંયા બહુ જ
ડર લાગે છે કારણ કે આ બધા લોકો એના ગામડાના જે રંજીતપુર ગામના છે કોઈ બહારના નથી આજુબાજુના ગામમાં ન હશે અને કોઈ નથી એન્ડ ઇટ ઇઝ અ ટોટલી ફ્રેમ તો ના કહેવાય ઇટ્સ અ મેડ અપ કેસ કે આ અને પાંચ મહિનાના પ્રેગ્નન્ટ વુમેનને આવી રીતે એ કરે પોતાના દેશ પોતાના ગામના જ લોકોએ આવી રીતના કરી શકાય એ બહુ ભયંકર કહેવાય અને આ બીજું કે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે છે કે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવો કેસ છે કે જે જેમાં આ બધા અને કોન્વિક્ટમાં કહેવાય બળાત્કારીઓને એમને એ કરી કરવામાં આવ્યા છે કોન્વિક્ટ બનાવવા આવ્યા છે અને બીજું કે પહેલી વાર એવું થયું છે ઘણા બધા આપણે સાંભળીએ છીએ વી નો ઓફ લોટ્સ એન્ડ લોટ્સ ઓફ કેસીસ ઓફ બળાત્કાર પણ કોઈ દિવસ કોઈને એને વર્ષો સુધી ચાલતું જાય ને તો એ નથી કરતા પણ આમને કોન્વિક્શન થયું છે અને એ બહુ સારી વાત છે બસ મેં તો ઘણું બધું કહેવાનું છે પણ આટલું અમે હું કહીને નિર્મું છું ઠીક છે નરેન્દ્ર પરમારજી કા ભી જો હૈ એક બાર હો જાય વક્તવ્ય ચૂંકિ આપકો વકીલ ગોદી મીડિયા છે આર્ય પૂછો તમે આટલું આટલું કહીએ તો તમારા જ વ્યક્તિ એવું કહે છે ગોદી મીડિયા છે આર્ય તાજના સાથી બધા આપણા જ માણસો છે તમારી બધો પછી 2002 થી અમે એમના છે ભાઈ તમે આપણા તમે પછી થયા આર્ય 2002 માં પૂછો દાહોદ જિલ્લા કે રંજીતપુર મેં ગેંગરેપ હોતા હૈ ઓર ગેંગરેપ કે સાથ ઉસ મહિલા કે ઘર કે 14 લોગો કી હત્યા ભી કી જાતી હૈ યે હત્યા કે બાદ જો 11 એક્યુઝ થે કન્વિક્શન હોતા હૈ પનિશમેન્ટ હોતી હૈ ઉનકો આજીવન કારાવાસ હૈ ઉનકો જેલ મેં ભેજા જાતા હૈ લેકિન જેલ મેં ભેજને કે બાદ ગુજરાત ગવર્નમેન્ટ ને ફિલહાલ એક ડિસિઝન લિયા ઓર ઉસ ડિસિઝન કે તહત ઇન 11 એક્યુઝ કો જો 11 દોષી થે ઉનકો છોડને કા એક નિર્ણય લિયા ગયા ये निर्णय भारत के इतिहास में या पूरे विश्व के इतिहास में एक ऐसा निर्णय कि जो लोग दिस इज ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है ये ऐसा केस है कि भारत में ऐसी घटना कभी देखी नहीं गई कभी पाई नहीं गई कि जो 14 लोगों की हत्या करने वाले लोग एक लेडीज जो है उसका बलात्कार करने वाले गैंगरेप करने वाले लोग उनको पनिशमेंट करने के बाद गवर्नमेंट जो है उनको छोड़ती है और छोड़ने की कमेटी के अंदर कलेक्टर लेवल के लोग होते हैं MLAs होते हैं और ये सारे मिलकर के वे सारे एक्यूज को संस्कारी बता करके छोड़ देते हैं उनके बिहेवियर को सही बता करके छोड़ देते हैं ये बहुत ही गंभीर घटना है और लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है हमें ऐसा महसूस होता है कि बिल्किस बानो के साथ जो भी हुआ उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है भारत की नारी के साथ अन्याय हुआ है और इस अन्याय को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इसलिए बिल्किस की माफ़ी मांगते हुए हम बिल्किस के गाँव से रंजीतपुर से एक पदयात्रा निकाल रहे हैं और वो पदयात्रा जो है उसमें हम जो है पूरे भारत के जो लोग हैं वो शर्मसार हो गए हैं बिल्किस की माफ़ी मांगते हुए ये पदयात्रा निकाल रहे हैं और हमारी इस पदयात्रा में प्रशासन हमारा सहयोग करे ऐसी विनती है आपकी पदयात्रा में बिल्किस या बिल्किस के फैमिली रहेंगे क्या अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई लेकिन वो लोग नहीं रहेंगे हम ही लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं और जिनको लगा हुए ये सारे लोग करीबन कितने लोग आपको लगता है ज्यादा से ज्यादा 50 लोग रहेंगे पुलिस को लिख करके हमने बता दिया है और ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि जितने भी लोग पद यात्रा में शामिल हुए हैं वे सारे लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं और हमारे साथ शांति के विश्व के बड़े बड़े पुरस्कार लिए हुए लोग भी हैं अभी वो बात नहीं करते हैं लेकिन आप उसका जांच कर लीजिए
और हम सब लोग शांति में मानने वाले लोग हैं, तो पद यात्रा में जितने भी लोग हैं वो सारे लोग शांति बना करके पद यात्रा करें। और कोई नारीबाजी भी नहीं है हमारी वहाँ पे। वो तो क्या है कि सरकार चाहती नहीं कि ये मुद्दा लोगों तक पहुंचे और लोगों को पता चले कि ये जो सरकार ने किया है गलत किया है, इसीलिए सरकार कहीं भी परमिशन नहीं दे रही। तो अहमदाबाद हो कि दिल्ली हो कि कोई जगह पे स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि बिल्किस बानो केस को लेके अगर कोई परमिशन मांगता है तो नहीं देने की। जैसे हमने कल सरखेज में परमिशन मांगी थी तो हमको परमिशन नहीं दी, मगर 2000 लोगों की परमिशन पॉलिटिकल पार्टी की जाहिर सभा के लिए दे दी। तो सरकार नहीं चाहती कि ये मुद्दा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि सरकार ने गलत किया है, लोगों तक बात जाएगी तो सरकार का नीचा दिखा रहा, सरकार का नीचा दिखेगा, इसीलिए सरकार ये मुद्दे को बाहर लाना ही नहीं चाहती। नहीं, सरकार एटला माटे आ मुद्दो लावा मांगे छे के बे चुनाव 2002 ना मुद्दा ऊपर लड़ी ने धार्मिक पोलराइजेशन करीने जीत्या छे। एक बात आपको बता दें कि पिछली जो पद यात्रा हमने निकाली थी 2018 में अहमदाबाद से नोएडा बेट, साबरमती आश्रम से निकली थी, लेकिन उसके बाद जब शाम को छोड़ा और कहा कि अब जा सकते हैं तो वो पूरी पदयात्रा पूरी हुई और उसमें यशोदा बहन आधे घंटे के लिए आई और उन्होंने कहा कि आपका मुद्दा बिल्कुल सही है, भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। तो हम लोग ऐसे मुद्दों पे निकालते हैं जो सामाजिक मुद्दे हैं और हमारा पूरा इतिहास ये है कि शांतिपूर्ण ढंग से ही, और मैंने कल एसपी दाहोद को कहा है कि हमारा पूरा सहयोग रहेगा आपको, आप हमारी पदयात्रा निकलवा देंगे तो आपका बहुत धन्यवाद। कौन सी सेलिब्रिटी आने वाली है वो भी बोलिए। सेलिब्रिटी में जिग्नेश मेवानी ने कहा है कि वो पदयात्रा में आएंगे, जिग्नेश मेवानी પેલી વાત તમે અમે કરી ને એ મુદ્દો પછી કોણ કોણ જોડા છે કયા કયા દિવસથી શું પ્રોગ્રામ છે થોડી થોડી બોલજો। બીજેપી 2022 નો ચૂંટણી હારી રહી છે, એને ભાસ થઈ ગયો છે કે અમે હારી રહ્યા છે, કારણ કે 4 ટાઈમ્સ ની એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી છે, વિકાસ નો કામ થયો નથી અને હિન્દુ મુસ્લિમ કા તો જાતિમાં ઊંચ નીચ ની જાતિમાં પોલરાઇઝેશન કરીને બીજેપી અત્યાર સુધી જીતતું આવ્યું છે। આ વખતે બીજેપી 100% હારવાની છે, એટલે એ ચાહે છે કે અમે જેટલા ચૂંટણી હિન્દુ મુસ્લિમ કરીને પોલરાઇઝેશન કરીને જીત્યા છે આ વખતે બી 2022 ની ચૂંટણી પહેલા જ કેમ આ 11 માણસોને છોડવામાં આવ્યા, કેમ શું કહેવાય દંગાની અંદર જે આરોપી હતા જે કન્વિક્ટ થઈ ગયેલા એમને છોડવામાં આવ્યા છે, એનું રીઝન એ છે કે આ ફ્લેશબેકમાં લઈ જવા માંગે છે 2002 ની અંદર, એ ના થાય એટલે સંદીપ પાંડે પોતે મેગ્સેસે એવોર્ડ વિનર છે એ પોતે આ મુદ્દાને હેન્ડલ કરવા માંગે છે, કારણ કે 2002 ના મુદ્દાનું પોલરાઇઝેશન ના થાય અને બીજેપી આ વખતે 2022 માં હારે। અને બીજું, બેંગ્લોરની અંદર બ્રાહ્મણ દીકરીનો બળાત્કાર થાય છે, લોઅર કાસ્ટના ઓબીસી અને દલિત સમાજના આદિવાસી સમાજના લોકો રેપિસ્ટ હતા, એમનું એન્કાઉન્ટર થઈ જાય છે, એટલે આ બિલ્કિસ બાનુના કેસની અંદર અગર બ્રાહ્મણ અને વાણિયા ના હોત તો એ આદિવાસી કાં તો ઓબીસી સમાજનો કાં તો આદિવાસી દલિત સમાજનો કોઈ હોત ને તો એમને છોડાવવા માટે આ મહેનત ના કરે, એટલે આ પાર્ટી ખાલી 10% સમાજ માટેની પાર્ટી છે, પણ હિન્દુ મુસ્લિમ કરીને જે લોઅર ઓબીસી દલિત અને આદિવાસીને ભમરાવે છે અને એમને હિન્દુઆઇઝ કરવાની કોશિશ કરે છે અને દર વખતે પોલરાઇઝેશન કરીને જીતી જાય છે, પણ આ વખતે આમનું આ ગતકડું ચાલવાનું નથી, બીજેપી આ વખતે હારવાની છે અને હરાવશે આ લોઅર કાસ્ટના લોકો જે બીજેપી ઓબીસી દલિત અને આદિવાસીના દુશ્મન છે, એટલે હારવાના છે અને એ લોકો જ એમને હરાવવાના છે। 26 તારીખની આરડીએમ રાષ્ટ્રીય દલિત અધિકાર મંચના પ્રમુખ જિગ્નેશ મેવાણી સાહેબ અહીંયા આવવાના છે, બીજા સામાજિક કાર્યકર અમદાવાદના છે એ બધા આવવાના છે, એમના કમિટમેન્ટ છે। અમે ડેલી એક પ્રેસ રિલીઝ કરીશું કે કોણ કોણ કયા કયા દિવસમાં કઈ સેલિબ્રિટી એ દિવસે આવવાની છે એ તમને અગાઉથી અમે જાણ કરી દઈશું। इसमें मैं ये जोड़ दूं कि जो अंतिम समापन वाला कार्यक्रम है उसमें तुषार गांधी आ रहे हैं,
उनका कंफर्म है। कविता श्रीवास्तव आ रही हैं जो PUCL मानवाधिकार संगठन उसकी राष्ट्रीय महासचिव हैं, और संभावना है कि स्वरा भास्कर भी आएंगी आखिरी दिन 4 अक्टूबर को, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें देश के जितने भी जाने माने जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो शामिल हैं। हाँ, और एहसान जाफरी साहब के लड़के तनवीर आखिरी के 3 दिन चले गए, तनवीर जाफरी साहब। हनी भाई तनुश्री गंगोपाध्याय 40 वर्ष से पत्रकार छे, ऑफ कोर्स इंग्लिश में मीटिंग बोल रहा ना, अंग्रेजी। मैं कह रहा हूं धन्यवाद दे दीजिए सबको औपचारिक।